गुड़िया रानी की कैप हो गई है खराब, तो इसको कर लेते हैं ठीक। दोनों की हो गई एक एक। ये काफी सुंदर लगती है, महंगी भी मिलती है, तो मैं सोच रही हूँ इस सर्दियों में तो चली ही जाएगी। तो यहाँ पे बड़ी गुड़िया कर रही है पढ़ाई, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ मुंह वगैरह धो के पूजा करके, थोड़ा हल्का फुल्का कर लिया है मेकअप। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे आप सबका। वेलकम है ब्लॉग विश्वनीतम, और ये ब्लॉग है इवनिंग से। तो आप सभी को मेरी परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से गुड इवनिंग। तो यहाँ पे मैंने शाम का दीपक जला दिया है, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत जोरों से जल रहा है, बहुत ज़्यादा जोरों से जल रहा है। ये हैं हमारे भगवान जी, हमारे नहीं मतलब सबके भगवान जी। और यहाँ पर हमारे बैठे लड्डू गोपाल जी, इनको नीचे, क्योंकि ऊपर थोड़ी व्यवस्था नहीं है, तो नीचे हमने सेटअप बनाया जैसे मैंने आपको कई वीडियो में बनाया है। और यहाँ पर हमारी गुड़िया रानी कर रही है पढ़ाई। थोड़े से पैर गर्म कर लेती हूँ इसलिए, क्योंकि मैंने पहनी सॉक्स है, आप लोग को पता ही है गुड़िया मेरी बीमार है, तो फिर डर लगता है कि मेरे जरिए उसको ठंड ना लग जाए। तो ये वाली प्यारी प्यारी सॉक्स मेरी बहन लेके आई थी मेरे लिए, तो थैंक यू। मैडम ने जो लिख, यहाँ पे फटाफट फटाफट कर लेते हैं ठीक, क्योंकि छोटी गुड़िया अगर आ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो ऊपरी को भागती फिर करने नहीं देगी। और ये कैप ना देखने में और गर्म भी काफी है, तो इसलिए मेरे को मन नहीं करता। और ये भी गुड़िया भी रोती है कि मम्मा ये सही कर दो प्लीज, मैं इसको पहनना है। और ये यहाँ मेरे पास ही बैठी है, पता नहीं क्या खा रही है, मुझे तो याद भी नहीं है, पता नहीं खीर सी खा रही, पता नहीं क्या खा रही है। तो यहाँ पर काला धागा भी पड़ा था मेरे पास, क्योंकि मैं पहले बहुत कुछ बुनती रहती थी, अब तो मैं नहीं बुनती हूँ। और बहुत शौक भी था, और अब बच्चे भी नहीं बुनने देंगे, क्योंकि बच्चे अगर ढंग के हों तो ठीक है, ये रोती बहुत है आप लोगों को पता ही है, थोड़ी देर एलवी तक नहीं करने देती लड़की। तो इसी तरीके से इसकी तनी भी खराब होगी, तो इसमें छोटा मोटा फ्लावर बना के लगाना। वैसे फ्लावर ये पहले जो हमारे उसमें सेल नहीं पड़ते थे, वैसे टॉर्च में वो वाली सेल जो लाल लाल कलर के टिप्पे निकलते थे, उससे मैं फ्लावर बनाती थी, वो तो अब मिलते भी नहीं है कहीं पे भी। तो यहाँ पे इसी तरीके से बना लेते हैं। छोटी गुड़िया की कैप की भी बारी आ गई, तो इसकी भी तनी इसने पता नहीं कैसे तोड़ ली थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ये तो अभी खरीदी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। ये कैप ना महंगी भी पड़ती है और अच्छी भी है। तो अब मिलती हूँ मैं आपसे मॉर्निंग में, आप लोग फुल ब्लॉग पे बने रहिएगा और इसी तरीके से प्यार दुलार देते रहिएगा। तो यहाँ पे ये भी काम कहते हैं हम महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी होता है, घर में कौन सी चीज़ टूट रही है, फूट रही है, किस में सिलाई मारनी है ना, हर किसी को ध्यान रखना पड़ता है, मेरा कोई अलग नहीं है। तो कोई नई चीज़ है या पुरानी है, जब तक हम उसको अच्छे से सिलेंगे नहीं, संभाल कर रखेंगे नहीं, तो उसकी पावर कैसे बढ़ेगी। सही बात है। तो छोटे तो ये ब्लॉग मेरा मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों मिक्स आ रहा, तो यहाँ पर छोटी गुड़िया की भी मैंने कैप ठीक करने बैठ गई हूँ, तो मिलूंगी आपसे मॉर्निंग में। तो हमेशा ऐसा लगती है मैं सो के ही उठी हूँ, सो के ही उठी, पर मैं अभी सो के नहीं, 9 बज चुके हैं। तो ये ब्लॉग आएगा 2 दिन का। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? सबको गुड मॉर्निंग। तो मैं आपसे मिल रही हूँ सुबह में, तो मैं थोड़ा चाय वाय पी लेती हूँ यार, अभी गुड़िया सो गई है मेरी। तो ब्रश तो मैंने बहुत पहले कर लिया था गुड़िया को स्कूल भेजने के बाद, इसको दवा वगैरह देने के बाद, अभी थोड़ी देर सोएंगी, दवा का असर रहेगा तब तक मैं थोड़े बहुत काम भी कर लूँगी और चाय वाय भी पी लेती हूँ। तो आज ब्रेकफास्ट में है आलू का पराठा और चाय, और ये है अचार मिर्ची वाला जो बहुत टेस्टी लगता है, और दीदी की बेटी को भी अच्छा लगता है, पर मैं डाल ही नहीं पाई उनके लिए। ये भी तो ये तो रेडीमेड वाला है, वैसे मैं डाल भी लेती हूँ, बहुत टेस्टी बनता है वो भी, पर क्या करूँ यार, काम इतना कुछ नहीं है देखा जाए तो, बट बच्चे बीमार ज़्यादा रहते हैं, ठीक नहीं रहते, क्या करूँ क्या ना करूँ समझ नहीं आता। धीरे बोल रही हूँ इसलिए गुड़िया सोई दी है। तो चलो आप लोग भी खा लीजिएगा आलू का पराठा, किस किस को पसंद है। तो पराठा तो खा लिया, चाय बहुत ज़्यादा गर्म है, टाइम लगेगा। तो आज हमारे रूम पे बनेगा मटर आलू की सब्जी, बहुत टेस्टी लगती है ना इन दिनों में, और चावल बनाऊंगी मैं उनके साथ। तो गुड़िया रानी यहाँ पे सो गई थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले भांडे साफ कर लेती हूँ। मैं भांडे ही बोलती, मतलब बर्तन बोलते हैं वैसे तो हमारे,
ऐसे में फनी टाइप में बोल देती हूँ भाई, क्योंकि ये भी काम हमारा सबसे बड़ा होता है। तो ये मैं सारे बर्तन धो के रखूँगी, फिर उसके बाद दूध गर्म रखना है और थोड़ी सी सब्जी बनानी है आलू मटर की। और गुड़िया देखते हैं कब तक सोती है और कब तक मेरा कितना मतलब काम समेट पाता है उसी हिसाब से। और यहाँ पर मैं बहुत उसमें हूँ कि भाई उठना जाए, थोड़ा सा टेंशन सा हो रहा था कि बच्ची उठ जाएगी ना फिर मेरा कुछ भी काम नहीं होगा। किस किस के साथ ऐसा होता है ज़रूर बताइएगा भाई, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। गुड़िया को दवाई भी देनी है जब वो उठ जाएंगी, और एक दवा दे भी दी तो वो दवा खाने के बाद वो सो गई थी, फिर मैंने सोचा तो थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे बर्तन सारे धुल चुके हैं, उनको मैं वॉश करूँगी। और इसी तरीक़ा से आप ब्लॉग पर बने रहिएगा। यहाँ पे मैं बैठ गई थी आलू छीलने, जैसे मैं आलू छील ही रही थी तब तक मेरी गुड़िया रानी उठ गई। अब फिर तो वो कहाँ करने देती, तो मैंने सोचा चार ही आलू तो छील ही लेती हूँ। तो यहाँ पे रो रही थी तो हमने इग्नोर मार दिया कि भाई रोते रहो थोड़ी सी देर। और यहाँ पे मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही थी तो यहाँ पे भी मेरे साथ बैठे थे, आप लोग देख सकते हो आवाज़ सुन सकते हो। यहाँ पे मेरा मन था कि मैं लंबे लंबे आलू काटूँ आज, क्योंकि कभी कभी चेंजिंग में थोड़ा अच्छा लगता है। और आजकल आलू गोभी मटर की सब्जी जो अच्छी लगती है ना मुझे, तो आप लोग को क्या ही बताऊँ मैं, किस किस को अच्छी लगती है ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैं सारे आलू काट लेती हूँ। वरना मैंने फ्रिज में पन्नी में ही रख दी थी तो बिल्कुल फ्रेश है, ख़राब नहीं हुई, देख सकते हो आप लोग। तड़का यहाँ पर शुरू कर दिया है मैंने, कुछ मसाले डाल देते हैं अपने डेली यूज वाले, हल्दी पाउडर धनिया पाउडर। तो मैंने आलू मटर भी डाल दिया, अब बनती रहेगी सब्जी। बन के हो गई रेडी, कटोरी से रखूँगी मैं इस ढोंगे में, क्योंकि चम्मच ना मेरे पास छोटी है तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं इससे रख लेती हूँ, फटाफट हो जाएगा।